देखते हैं मधेपुरा लाइव न्यूज, खबरें आपसे आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम बस स्टैंड के पास खड़े हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया था कि एक दीप जलाना है और कोरोना वायरस को भगाना है। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से चार रास्ता निकला और चारों रास्ता काफ़ी सुनसान है। ये बस स्टैंड है, बीपी मंडल चौक का काफ़ी व्यस्तम भरा इलाका होता है, मगर चारों ओर सुनसान है, हमें लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमसे कोई लोग बात करें कि जहां एक तरफ पूरा विश्व इस वक्त दीप जला रहा है, लोग अपने घर में कैद है, एक गाड़ी आ रही है जिसे हम रुकाने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहां से आ रहे हैं। ये हमको ऐसा लगता है ये मधेपुरा के होंगे या फिर बाहर के इलाके से कहीं आ रहे होंगे, कहीं इनको जाना होगा। भाई साहब, ये बताइए कि पूरा विश्व इस वक्त दीप जला रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने जो लोगों से अपील किए थे और आप इसी भी सड़क पे निकले हैं, क्या माजरा क्या है? देखिए, दीप जलाना अच्छी बात है, लेकिन अभी जो स्थिति है, हम लोग लगभग 1-2 घंटा से रोड पर घूम रहे हैं और दो जगह भी हम लोग गए जहाँ की 200 के लगभग में आदमी भूखा सोया हुआ था। और हम लोग जैसे पहुँचे वहाँ पर, वो सभी घर से निकल के थाली और कटोरी लेके हम लोग के सामने आ गए और हम लोगों ने उन सबको पूरी और सब्जी जो है दिया है। तो आप सोच सकते हैं, जिसके पास रुपया है, पैसा है, वो तो दीपावली मना रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, वो भूखा सो रहा है बेचारा। तो हम चाहते हैं दीपावली आप मनाइए, लेकिन उन गरीबों को भी देखिए जो कि समरनाला के ठीक आगे में, डीएम साहब के ठीक आगे में है, ये यहाँ पर बसे हुए हैं। ये लोग लगभग 200 सदस्य हैं और सबके सब मलिक और मुसलमान हैं, वो सबके सब भूखे हैं। मजदूर क्लास के लोग थे, चाय बनाते थे, अभी चाय की दुकान बन रही, बेचारे सब भूखे हैं। आप लोग जाके एक बार प्लीज कल देख लीजिएगा स्थिति वहाँ क्या है। सोया हुआ था भूखा, अभी गए तो एक आस जगह और वो सब दौड़ के आए और हम लोग ऐसा किया। और हम लोगों ने प्रतिज्ञा भी लिया है कि जब तक रात में कोई भूखा सोएगा, हम लोग नहीं सोएंगे, सबके पास हम लोग भोजन पहुंचाएंगे। हम लोग पप्पू यादव के सेना हैं और हमारे माननीय पूर्व सांसद लगे हुए हैं, बीमारी से त्रस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई वो जो अपने शरीर का ख्याल नहीं करते हैं। तो हम लोग तो अभी हथे कटे नौजवान हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उनके कदम पर चलेंगे। लेकिन एक बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहे थे कि एक दीप जलाना है, कोरोना वायरस को भगाना है, मगर क्या आपको लगा कि आपको तो घर में रह के ये काम करना था, मगर आप निकल पड़े? देखिए, जिनके पास पैसा है उनको मनाने दीजिए, हम लोग के पास सेवा का मौका है, जज्बा है, हम लोग के अंदर है, हम लोग खाना बनाए हैं, हम लोग को पता भी नहीं चला कि आज क्या करना है। ये हम लोग जी चला? ना बिल्कुल नहीं, हम लोग जब रोड पर हम लोग चले, हम लोग को फुर्सत सर नहीं मिलता, हम लोग बराबर वीडियो डालते रहते हैं किस तरह से हम लोग भोजन बनाते हैं साफ सुथरा होके, और किस तरह अभी हम लोग यहाँ से रेन बसेरा गए थे, वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी नाजुक है, वहाँ पर भोजन का व्यवस्था ठीक है। हमारे साथ एक और छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको ऐसा लगा उसे दीप जलाना चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों से अपील किए थे वो उनको करना चाहिए था, मगर एक है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ निकल पड़े आपको दीप जलाना था। हम लोग घर में दीप जलाएंगे और मधेपुरा में हजारों लोग भूखे सोएंगे, तो ऐसा दीप जला के हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग रन बसेरा गए, वहाँ पे 10-20 जो वहाँ उपस्थित है, जो कल स्टेशन पे कहीं रखता है सरकार, जिला प्रशासन उसको रन बसेरा में दे आया है, मगर उसके लिए ना तो उसको साबुन दिया है, ना मास्क दिया है, ना कपड़ा दिया है, ना खाने का व्यवस्था। अभी हम लोग साबुन, मास्क और कल हम लोग उनके यहाँ जाके कपड़ा भी वितरित करेंगे। चलिए, हम एक भाई और है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या खाने में दिए हैं आप उनको? पूरी सब्जी दिए हैं। ये कब तक आपका चलता रहेगा? ये जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशफाक। तो लोगों का साफ कहना है कि हमें दीप जले या दीपावली मनाए, सबसे पहले अगर पेट में दाना रहेगा तो हम हर कुछ करेंगे, दीप भी जलाएंगे और दीपावली भी मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम भी ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी मूल चीज़ें हैं, जो हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोग भूखे ना सोए, एक इंसानियत के नाते ये सभी लोग निकले थे घर से बाहर, और इस वक्त जो अब उनसे हम बात की, उनका साफ कहना है कि दीप तो बाद में भी जलेगी, पहले भूखे जो लोग हैं, जो कोरोना वायरस से काफ़ी परेशान है, जो त्रस्त है, पहले अगर वो अच्छे से रह लेंगे, अपनी ज़िंदगी को जी लेंगे, तो कहीं ना कहीं अगले साल हम दीप का जो पर्व है दीपावली उसे मना लेंगे।